हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज 15 तारीख है और मैं वापस से जा रही हूँ दिल्ली। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा व्लॉग स्टार्ट करने के पहले कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, और ये बेसिकली मेरे दिल्ली जाने का व्लॉग है। बट मैंने इस व्लॉग को अपने बूट कैंप में स्टार्ट नहीं किया, कैब में भी स्टार्ट नहीं किया। एयरपोर्ट आके मेरा बैग ड्रॉप, मेरा चेकिंग, मेरी सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया है। अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, मे भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, एयरपोर्ट पे लाइक VIP लॉन्ज होते हैं। लॉन्ज इन द सेंस फूड लॉन्ज, जहाँ पे आप जाते हो और फ्री में खाना खाते हो। अब वो फ्री में कैसे खाते हो आप? लाइक आपके जो कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर ऑफ़र चल रहे होते हैं। ठीक है, ऑफ़र नहीं मतलब फैसिलिटी बोलते हैं इसको, ऑफ़र नहीं फैसिलिटी, कि आप इस क्रेडिट कार्ड में साल में 4 बार खा सकते हो। तो मेरे कार्ड पे था और मुझे पता था बट मुझे पता नहीं था फैसिलिटी अवेल कैसे करते हैं और कैसी होगी। बट आज मैं अपने टेक ऑफ से 2 घंटे पहले आई हूँ और मैंने सोचा चलो क्यों ना खा लिया जाए। और मुझे कुछ लोग घूर रहे हैं, एक आंटी स्पेशली, मैंने सोचा चलो क्यों ना खा लिया जाए। ओ माय गॉड, क्या फैसिलिटी है ब्रो, क्या फूड है। एक मिनट रुको, ये वाइट सॉस पास्ता एंड ये ऑरेंज जूस और ये मिठाई तो मैं अभी लेके बैठी हूँ। इसके पहले ऑलरेडी चावल दाल, उसके साथ पनीर की सब्ज़ी, उसके साथ चिकन का सूप, उसके साथ पापड़, दुनिया भर के फ्रूट्स, ये मैं खा चुकी हूँ। ये मेरे जैसे भूखे इंसान को पहले कैसे नहीं पता था ब्रो। एंड लिटरली द फूड इज़ अमेजिंग। चलो अब खाने दो, आंटी बहुत घूर रही है। तो चलो अपना खाना पीना हो गया, अभी चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। 2:05 हो गए हैं, 2 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट है। एक बार वॉशरूम होकर फिर अपनी बोर्डिंग की तरफ चलते हैं। खाना बड़ा बढ़िया था यार। अगर किसी के पास HDFC, कोटक, ये भी जो भी असड़ बसड़ जो भी अपने कार्ड होते हैं ना, ज़रा उन पर चेक कराओ कि उन पर लॉन्च का जो भी फैसिलिटी है वो या नहीं, और अगर है तो यार अवेल करो। चलो चलते हैं। मेरी बोर्डिंग वगैरह हो गई है एंड विंडो सीट करी थी हमने। अभी मेरे बगल में कोई आया नहीं है, आई होप कोई खूबसूरत सा लड़का आ जाए। लड़के वैसे खूबसूरत नहीं होते हैं, हैंडसम होते हैं, पर हैंडसम ही आ जाए, कोई तो आ जाए। हमेशा तो ऐसे चोमू से, पेटू से और बुरे से अंकल आ जाते हैं। अंकल ना आए, आंटी आ जाए फिर भी, है ना, थोड़ी चुगलियाँ पेल लेंगे। चलो अब सीधा दिल्ली चलते हैं, घर जाने की खुशी अलग होती है यार, है ना। अब तो मैं सीधा दिल्ली जाके दिखाती हूँ मैं अपनी मम्मी को। टिंग टिंग, मेरे को दिल्ली जाने की खुशी बस मम्मी से मिलने की है और किसी से नहीं है। भाई भाई तो ऐसे ही है। जस्ट किडिंग, सबसे मिलने की खुशी है। सो गाइस, वी आर फाइनली दिल्ली एंड बाहर मेरा शिव भाई और मेरे बड़े वाले भाई का छोटा बेटा यानी कि मेरा भतीजा लेने आए हैं मुझे। तो चलो अब उनसे मिलते हैं और सीधा अपनी मम्मी के पास चलते हैं। और ये मम्मी के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, मम्मी को ऑलरेडी पता है कि मैं आज आ रही हूँ, बट फिर भी अपने माँ बाप से मिलने की तो खुशी है। तो यार मैंने कल एयरपोर्ट से आने के बाद बिल्कुल भी आप लोगों को बताया नहीं कि मैं मम्मी से कैसे मिली, क्या मिली आप लोगों को। मतलब मैं क्या ही वीडियो बनाती, मम्मी थोड़ी सी हमारी हो गई है हॉस्पिटलाइज और ये चीज़ें वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये पता था कि मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, बट मुझे ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में है। तो भाई मुझे लेने आया और उसके बाद हमें पता चला। तो इसीलिए कल आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, वरना तो आप लोगों को पता ही है जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मेरा कैमरा ऑन ही रहता है। पर ये कंडीशन थोड़ी ऐसी थी कि यार समझ ही नहीं आया कैसे शाम गुजर गई, कैसे रात गुजर गई। तो पूरी रात मैं मम्मी के साथ यहीं थी और अभी सुबह हो रखी है। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ मम्मी क्यों बीमार है। चलो मम्मी बता देती हूँ। मम्मी शुगर BP बढ़ गया था और सांस लेने में खांसी आ रही थी, तो दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। अब सिस्टम ठीक है, अब देखो ये मम्मी के सब कुछ हट चुका है, सब बिल्कुल ठीक है, डिस्चार्ज मिल रहा है आज तो। ये जितनी भी चीजें है ना, A to Z टेस्ट हो गए हैं, किडनी, मम्मी का किडनी का टेस्ट हुआ है, मम्मी के ब्रेन का टेस्ट हुआ है, मम्मी के स्मॉल इंटेस्टाइन का टेस्ट हुआ है, मम्मी के लिवर का टेस्ट हुआ है, और कौन से शुगर BP तो हुआ ही हुआ है। सोनोग्राफी क्या होता है? वो जो अंदर कैमरे डाल के देखे, सोनोग्राफ मतलब किडनी, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, A to Z टेस्ट हुए हैं और जितनी भी चीजें हो सकती है सब करवा दी है और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो आज डॉक्टर डिस्चार्ज दे रहे हैं। और मम्मी को बेसिकली क्या हो रहा था कि खांसी उठ रही थी एकदम से, तो खांसी लेते टाइम ना मम्मी की सांस आनी बंद हो जा रही थी, जो नली होती है ना वो ऐसे पिचक जा रही थी। मतलब उसको इंग्लिश में कैसे समझाते हैं मुझे पता नहीं, बट जितना मैं जानती हूँ यही है। बट अभी सब ठीक है,
तो आज फाइनली अब करा रहे हैं मम्मी का डिस्चार्ज। चाय मंगाई है, चाय वाय पीते हैं। एंड कल से जैसा मैंने आप लोगों को बोला था रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। थोड़ा सा यार पेरेंट्स ऐसे बीमार हो जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं, बट आज मम्मी का डिस्चार्ज करा के कल से रेगुलर व्लॉग्स डालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।